हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है ठाकुर जी का मोहिनी एकादशी श्रृंगार। इनकी भी मैंने सेम ड्रेस बनाई थी जो मेरी राधा रानी की बनाई थी। पहले तो मैंने सिर्फ धोती बनाई थी, सोचा कि सिर्फ धोती पहनाते हैं क्योंकि थोड़ा गर्मी भी है। पर फिर लगा कि लास्ट जो मैंने श्रृंगार किया था वो भी मैंने सिर्फ धोती में ही ठाकुर जी का किया था, जो मैंने अक्षय तृतीया पर किया था। इसलिए फिर मैंने यहाँ पर, और ये वाला फैब्रिक भी मेरे पास बहुत ज़्यादा बचा हुआ नहीं था, बहुत थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था, तो बस जस्ट इसमें ठाकुर जी का एक ही छोटा सा कुर्ता ही बन पाया। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसमें छोटी वाली कमर काचनी बनाऊं, क्योंकि धोती के ऊपर उसका लुक बहुत सुंदर आता है, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, फिर हमने ये बनाया। और ये पहनाने के बाद, क्योंकि ये वाली ड्रेस मैंने एक बार पहले भी ठाकुर जी को सेम बनाकर पहनाई है, बहुत सुंदर इसका लुक आता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे हमेशा उनको हम लॉन्ग कमर काचनी, शॉर्ट कमर काचनी पहनाते हैं ना, उसमें बिल्कुल एक अलग हो जाता है। ये ड्रेस मैंने पूरी आपके साथ में शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी अगर आप बनाना चाहते हैं। और वही इस ड्रेस में चार चांद इसके लहरिए दुपट्टे ने डाल दी थी, और साथ में जो इसके ऊपर ये गोटा लेस थी। तो हमारे ठाकुर जी खाली ड्रेस पहनकर भी इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। हर चीज़ उनके लिए मैचिंग की अपने आप निकलती चली गई, क्योंकि इस वाले ड्रेस के साथ ना मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं ज्वेलरी के, क्योंकि एक तो मेरे पास रानी पिंक कलर की ज्वेलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, और ब्लू कलर की भी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही है, जो सारी ज्वेलरी हमारे पास रखी थी, ढूंढते ढूंढते हमारे पास सभी ज्वेलरी मिल गई। और ठाकुर जी ने अपना जो श्रृंगार था ना वो प्रॉपर इतना अच्छा कराया, बहुत ज़्यादा अच्छा। और जो ये ठाकुर जी की पायल है ना, ये तो मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। रेनू दीदी ने ये मुझे भेजी थी ठाकुर जी के लिए, जो गिफ्ट भेजा था। ये दो कलर में है मेरे पास, एक ये स्काई ब्लू कलर है और दूसरा रानी पिंक येल्लो कलर है। बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं ये पायल, और इनको मैं टाइम टाइम पे ना कान्हा जी को बीच बीच में पहनाती रहती हूँ। और जब मैंने यहाँ पर कान्हा जी को वो शॉर्ट नेकलेस पहनाया तो वो आया नहीं, क्योंकि उनके हाथ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। उनको जो शॉर्ट नेकलेस हम पहनाते हैं ना, वो बहुत छोटे साइज़ का ही पहनाना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी की जो ज्वेलरी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई थी, तो ये मैंने यहाँ पर मोती की माला उनको पहनाई, क्योंकि मोती की ज्वेलरी वैसे भी गर्मी में हमें ठाकुर जी को पहनानी चाहिए, क्योंकि मोती थोड़े ठंडे होते हैं। और ये जो लॉन्ग माला मैंने उनको पहनाई है ना, ये मैं रामेश्वरम से उनके लिए लेकर आई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सिंपल सी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके ड्रेस इतनी हैवी हो गई, आप कितनी भी हैवी उनको ज्वेलरी पहना लेंगे तो वो दिखाई नहीं देगी। ड्रेस का लुक जो आ रहा है काफ़ी अच्छा हैवी आ रहा है। बस ठाकुर जी ने बिल्कुल सिंपल श्रृंगार करवाया, बहुत ज़्यादा कुछ भी श्रृंगार में ऐड नहीं करवाया। सिंपल सी हमने उनकी पगड़ी बांध दी स्टोकिंग से, मैं हमेशा स्टोकिंग से उनकी पगड़ी बांधती हूँ। और अगर आप भी बिगनर हैं जो ठाकुर जी को पगड़ी बांधना सीख रहे हैं, तो आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि आप स्टोकिंग से बांधें, बहुत जल्दी बंधती है और बहुत अच्छी सेट हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सेट करने के लिए करना नहीं होता है, महज एक दो ऑल पिन से ही सेट हो जाती है बस। लेकिन जब आप ऑल पिन लगाओ तो थोड़ा सा ध्यान से लगाएं, ताकि ठाकुर जी के सर में ना चुभे, जस्ट आप उसको टेढ़ा करके लगाएं, वो स्टोकिंग में ही रहे, नीचे की साइड ना जाए। तो हम जब भी श्रृंगार करते हैं इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ मैं, कि उनको बिल्कुल भी पिन ना चुभे, क्योंकि एक तो स्ट्रोकिंग भी काफ़ी मोटी आती है। और जो हेयर विग मैंने ठाकुर जी को पहनाई है ना, ये बहुत हैवी हेयर विग है। और ये है मेरे ठाकुर जी का एक नेकलेस जो रानी पिंक कलर में है। यहाँ पर मुझे पगड़ी को डेकोरेट करने का कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो मैंने ना यहाँ पर नेकलेस से ही डेकोरेट कर दिया। और उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब पगड़ी भी बहुत ज़्यादा हैवी डेकोरेट नहीं कराई, बहुत सिंपल सी रखी। पता नहीं क्यों, मतलब इतनी ज़्यादा तो गर्मी भी नहीं है यहाँ पर, मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल सा ही है। मैक्सिमम जो टेम्परेचर है थोड़ा नॉर्मल ही है। दोपहर के टाइम में थोड़ा हल्की सी गर्मी रहती है, उस टाइम में ही हम लोग कूलर ऑन करके रखते हैं, ताकि ठाकुर जी को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। और अगर ऐसा होता भी है कई बार के, जैसे आज मौसम अच्छा है, कल भी अच्छा है, दो दिन बाद मौसम थोड़ा गर्म हो गया, तो मैं ठाकुर जी की ड्रेस चेंज कर देती हूँ, उनको सिंपल कॉटन की सूती ड्रेस पहना देती हूँ। लेकिन जब भी कोई त्योहारों पर उनका श्रृंगार होता है, तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि ठाकुर जी का जो श्रृंगार है ना वो काफ़ी हैवी हो, क्योंकि वो ना हैवी श्रृंगार में ही बड़े सुंदर से लगते हैं, बड़े प्यारे से लगते हैं। फिर जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, मैं उनकी ड्रेस उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। लास्ट में उन्होंने बांसुरी धारण की,
और ये देखिए नज़रें हटती ही नहीं हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो उनसे नज़रें नहीं हटती हैं, उनकी बलाएँ उतारने का मन करता रहता है, नज़र उतारने का मन करता रहता है, और हर बार तो उनको एक अलग ही श्रृंगार में तैयार होना होता है। ड्रेस सेम रहती है, ज्वेलरी सब कुछ सेम रहता है, लेकिन फिर भी उनका जो लुक रहता है ना वो हर बार इतना अलग होता है कि वो बताया नहीं जा सकता। तो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा।